Hello viewers, this is Dr. Arwa Bohra welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लड में यूरिया एंड क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ जाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी. ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और एक अलार्मिंग साइन है ये, जो कि ये बताता है कि आपकी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, कुछ इन्फेक्शन है उसमें, क्रॉनिक डिसीज़ हो सकती है. अगर ब्लड में यूरिया एंड क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. इस समस्या के लिए डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ सकती है. अगर आपके सेरम में, मतलब आपके ब्लड में यूरिया एंड क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी हुई है, डॉक्टर ने अगर आपको डायलिसिस एडवाइस किया है, या फिर आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं आप, मतलब किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, किडनी आपकी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें. मैं इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिंस बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए. 100% रिज़ल्ट इससे मिलते हैं. तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, आपका यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को देखें, इसकी इस समस्या को समझें और फिर उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिंस देखें कि आपको किस तरह से लेना है और कौन सी मेडिसिन लेना है. फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, इससे आपको मेरे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. तो बिना देर किए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं. क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक किडनी फेलियर वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो गुर्दे होते हैं, जो हमारी किडनीज होती है, उनकी काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे 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 कम होने लगती है नॉर्मल से, और जो गुर्दे हैं वो फेलियर की तरफ जाने लगते हैं. इसी को हम बोलते हैं किडनी फेलियर, क्योंकि जो हमारी किडनीज़ हैं वो काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं. किडनी हमारे ब्लड में से वेस्ट को और एक्सेसिव फ्लूइड को फिल्टर करके और यूरिन में एक्सक्रीट करती है, यही इसका मेन फंक्शन है. जब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ से कोई भी पेशेंट सफ़र करता है तो बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. जो सिम्टम्स होते हैं लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, जो कि मैंने जैसे पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में कि ये एक अलार्मिंग साइन है. यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, GFR का कम होना, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यूरिन में एल्ब्यूमिन का जाना, मतलब पेशाब में एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाती है. किडनी फंक्शन टेस्ट डॉक्टर्स हमको एडवाइस करते हैं सिम्टम्स के आधार पे, और उससे हमको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं. इन्हीं सारे लक्षणों में से एक होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का लक्षण, यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, जो कि एक अलार्मिंग साइन है और ये इंडिकेट करता है कि हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और वो फेलियर की तरफ है. क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के या रीनल फेलियर के कॉजेज़ की बात करें हम, कि इसके क्या क्या कारण होते हैं, तो हर वो डिसीज़, हर वो बीमारी या हर वो मेडिकल कंडीशन जो किडनी के फंक्शन को इम्पेयर करती है वो इसका कारण है. क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का वो रिस्पॉन्सिबल होती है किडनी डैमेज के लिए और किडनी फेलियर के लिए, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, इधर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, देन हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है अगर आप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फेक्शन ऑफ द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनीज, नेक्स्ट इज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, रीनल स्टोन्स, मतलब किडनी स्टोन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं. ये कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं रीनल डैमेज के लिए, मतलब किडनी डैमेज के लिए.
सो व्यूवर्स, कॉजेज के बाद अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन में हेल्पफुल है और इन लेवल को कम करने में मदद करती हैं। जो मेडिसिन मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो है न्यू लाइफ कंपनी की NL2 ड्रॉप्स, विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन ड्रॉप्स। मैं मेडिसिन आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये है मेडिसिन NL2 ड्रॉप्स, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन ड्रॉप्स इसमें मेंशनड है। न्यू लाइफ कंपनी की ब्रांडिंग है यहाँ। इसमें एक तरफ इसकी MRP एंड बैच नंबर डिटेल्स है, दूसरी साइड यहाँ पे इसके कॉम्पोजिशन है जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। सो बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये, यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए, किडनी इन्फेक्शन को कम करने के लिए, किडनी डैमेज को फर्दर बढ़ने से रोकती है ये, साथ में जो इन्फेक्शन हो चुका होता है उसको ठीक करने में ये मेडिसिन बहुत मदद करती है न्यू लाइफ कंपनी की। इसका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है, इसमें वो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनका मेन एक्शन किडनी के ऊपर है। मेडिसिन के मेन इंडिकेशन के बारे में बात करें तो इसका जो मेन इंडिकेशन है वो यही है कि ये ब्लड से यूरिया एंड क्रिएटिनिन के लेवल को कम करती है और उसमें ये इंडिकेटेड है मेडिसिन। नेक्स्ट इंडिकेशन है इसका एडीमा, मतलब स्वेलिंग, जो कि किडनी डिसीजेज में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। देन पेन इन किडनी, अगर आपको गुर्दे के साइड में, मतलब कमर के निचले हिस्से में पीछे से आगे की तरफ पेन होता है तो वो इसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है मेडिसिन। देन क्रॉनिक किडनी डिसीजेज में ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो मेन इंडिकेशंस इसके यही हैं, जिसमें जो सबसे लीडिंग इंडिकेशन है वो यही है कि ये सीरम से, मतलब ब्लड से, यूरिया एंड क्रिएटिनिन के लेवल को कम करती है। मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें अगर, कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, सो इंडिविजुअल मेडिसिन विद इंडिविजुअल एक्शन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। सो जो इसमें फर्स्ट मेडिसिन है वो है L-serum 6, किडनी के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये मेडिसिन। एल्ब्यूमिन यूरिया को बहुत जल्दी अरेस्ट करती है ये मेडिसिन। ओलिगो यूरिया या एन यूरिया की स्थिति में भी ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है, यूरिया एंड क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में मदद करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें वो है एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में ये मदद करती है, फास्टर रिकवरी में हेल्प करती है जनरलाइज्ड वीकनेस या जनरलाइज्ड जो कमज़ोरी आ जाती है किडनी पेशेंट्स में। अगर आपने कभी देखा होगा क्रॉनिक किडनी डिसीज़ से सफ़र जो होते हैं पेशेंट, जो सफ़र करते हैं, तो उनमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमको, तो ये उस चीज़ से उभरने में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा मदद करती है एचिनेशिया, इम्यूनिटी को बूस्ट करके। जो थर्ड मेडिसिन है इसमें वो है टेरेबेंथीना 6, इस मेडिसिन का मेन एक्शन किडनीज़, मतलब गुर्दों के ऊपर होता है और यूरिनरी सिस्टम के ऊपर होता है, किडनी के इन्फेक्शन में, डार्क यूरिन में, हेमरेजिक यूरिन, मतलब अगर आपको पेशाब में ब्लड आता है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है, ये सारी समस्याओं के लिए टेरेबेंथीना बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। फोर्थ कंटेंट है इसका यूरेनियम नाइट्रिकम 6, यूरिन रिटेंशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। किडनी फेलियर में ये सिम्टम होता है, यूरिन रुक जाती है किसी भी कारण से, तो इस समस्या के लिए यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। फिफ्थ मेडिसिन है इसमें एपिस मेलिफिका 12x, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है एपिस, वेल नोन है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। एडिमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर स्वेलिंग आ जाती है, जनरलाइज्ड एडिमा है जो कि जैसा मैंने बताया कि रीनल इन्फेक्शन के केसेस में कॉमन सिम्टम होता है, तो उसको ठीक करने के लिए एपिस बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। किसी भी प्रकार के यूरिन इन्फेक्शन को ये तुरंत अरेस्ट करती है, पेशाब में अगर जलन होती है तो उसके लिए एपिस बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सिक्स मेडिसिन है इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस 12x, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका भी एक्शन किडनीज़ के ऊपर बहुत अच्छा है, रीनल स्टोन के लिए, मतलब किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, साथ में किडनी रीजन में होने वाले पेन में इस ये बहुत ही जल्दी आराम प्रोवाइड करती है ये मेडिसिन। और जो लास्ट मेडिसिन है इसमें वो है सारसा परेला,
सारसाप्रेला का भी किडनीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छा एक्शन है. यूरिन जब ख़त्म होती है, मतलब जब कॉन्क्लूजन ऑफ यूरिन होता है और उस टाइम पे अगर आपको बहुत तेज़ पेन होता है और जलन होता है, कटिंग पेन अगर आपको उस टाइम फील होता है, तो इस सिम्टम के लिए सारसाप्रेला बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है. अगर आपको पेशाब बूंद बूंद करके होती है और पेट में दर्द होता है, तो ये मेडिसिन इस सिम्टम के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है. सो व्यूअर्स, एनएल टू ड्रॉप्स मैं आपको यहाँ पर खोल कर भी दिखा देती हूँ. एक ग्लास बॉटल पैकेजिंग में आती है ये मेडिसिन. 30 ml क्वांटिटी बॉटल है इसकी. इस तरह से ग्लास बॉटल में आती है विद इन ड्रॉपर इनसाइड, जिससे इसकी ड्रॉप्स लेना काउंट करके बहुत ईजी हो जाता है. इस तरीके से आती है ये मेडिसिन. अब हम बात करेंगे इसके डोजेज की, कि आपको ये मेडिसिन लेना कैसे है. सो इस आपको आधा कप गुनगुना पानी लेना है और उसमें इस मेडिसिन की 20 ड्रॉप्स आपको डालनी है. और इसको आपको दिन में इस तरह से सुबह दोपहर शाम लेना है, मतलब 20 बूंदे सुबह, 20 बूंदे दोपहर को और 20 बूंदे शाम को आपको ये मेडिसिन लेना है. बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट आपको इसको रेगुलरली और कंटिन्यू, मतलब थोड़े लंबे समय तक लेना है. मैं रेगुलरली प्रिस्क्राइब करती हूँ अपनी क्लिनिक में और हॉस्पिटल में भी, और डायलिसिस से बचा लेती है ये दवा. सो आप यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे इससे. किसी भी लोकल स्टोर पर आपको ये इजीली मिल जाएगी, होम्योपैथिक स्टोर पर, NL2 ड्रॉप्स न्यू लाइफ कंपनी के. अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको healthmug.com पर मिलेगी. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूंगी. NL2 ड्रॉप्स 30 ml क्वांटिटी पैकेजिंग में आता है और इसकी जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 100 रुपीज़ है. अगर आप healthmug.com से परचेज करेंगे तो कुछ 5-10% डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है. सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा. इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. Thank you so much for watching and keep supporting.